बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से हमने पढ़ना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड हैं। 15 से प्रीवियस हम ऑलरेडी क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अब क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट लेते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन गिवन हैं वो हमारे पास क्या हैं और इनका हमने रिस्पॉन्स किस तरीके से देना है। अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो जो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपके पास जो मेजॉरिटी टॉपिक्स हैं, ओवरऑल टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, वो आपको गिवन है। तो आपने अगर तैयारी करनी है तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हेल्प मिल सकती है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं व्हाट आर द गुड पॉइंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन तो हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन द टू क्वार्टाइल्स लेते हैं। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव क्वार्टाइल डेविएशन भी हमने टर्म डिस्कस कर ली, अब वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस की थी। अब हम कहते हैं कि इसके गुड पॉइंट्स क्या हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन के, तो दे आर द गुड पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि ईजी टू कैलकुलेट है, इन ईजी टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज इसमें हमने लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल्स को डिस्कस करना होता है और उनका डिफरेंस ले लेना होता है। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द ओपन एंड क्लास एज वेल। आपके पास जब ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन होती हैं उसमें आप इजीली कर सकते हो। हालांकि रेंज में आपके पास क्या होता है, अगर आपको ओपन एंड क्लास गिवन है तो यू कॉन्ट फाइंड योर रेंज, तो आप रेंज नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि रेंज हमारे पास होता ही यही है कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके पास जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो बेटर समझी जाती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन एज़ कम्पेयर टू रेंज, क्योंकि इसमें हम ओपन एंड क्लास में क्या कर लेते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई 25% अपर एंड लोअर एक्सट्रीम वैल्यूज़। मैं क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो Q2 है वो टू टाइप्स ऑफ डेटा में डिवाइड कर देते हैं, और आपने ने प्रीवियस ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो क्वार्टाइल वन होता है उसमें भी 25 हम प्रीवियस छोड़ देते हैं, अपर में भी। तो जो 25% डेटा अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ गिवन है तो उससे हमारा जो इंटर क्वार्टाइल जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो अफेक्ट नहीं होती। अब वो कहते हैं थ्रो लाइट ऑन द मीन डेविएशन। मीन डेविएशंस क्या है स्टूडेंट, मीन डेविएशंस क्या होते हैं कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस में से मीन, आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है आप अपनी वैल्यूज़ को मीन में से डेविएट करते जाएं एंड टेकिंग एब्सोल्यूट, ये हमारे पास आ जाता है टर्म। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन आर पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो मीन डेविएशन है वो बेस्ड करती है ऑल वैल्यूज़ ऑफ सेट पे, जिस तरह रेंज हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर रही थी, वो सिर्फ लोअर एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ लेती है। इसी तरह आपके पास जो क्वार्टाइल डेविएशन था वो सिर्फ टू क्वार्टाइल्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें Q3 अपर क्वार्टाइल्स एंड लोअर क्वार्टाइल्स आ जाते हैं। ये हमारे पास पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जिस तरह मीडियन मॉड हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन आपके पास डिपेंड करती है ओवरऑल वैल्यूज़ पे। आप तमाम वैल्यूज़ को डिविएट करते हो फ्रॉम द मीन से, एवरेज से, एवरेज आपके पास कोई भी हो सकती है, वो मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है। वो आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आपको मेंशन कर दिया जाता है कि आपने मीन में से डिविएट करना है या मीडियन में से डिविएट करना है, लेकिन ये बेस तमाम वैल्यूज़ पे करेगी। तो हम कहते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ अ सेट ऑफ डेटा एंड इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन एंड एवरेज, यूजली द मीन, मीडियन एंड मॉड, वो तीनों में से कोई भी हमारे पास हो सकती है। एवरेज हम मीन भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियन भी एंड मॉड भी, और आप इसको अगर शो करना चाहते हो तो ये आपके पास मीन, मीडियन, मॉड आप ऐसे शो कर सकते हो। अब हमारे पास क्या आ जाता है, मीन डेविएशन जब भी हमारे पास आ जाता है तो 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार आ जाता है। एंड अगर हमारे पास ये जो हमारे पास फार्मूला गिवन है स्टूडेंट, ये आपको गिवन है फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए। अगर ग्रुप डेटा आ जाता है तो इट्स मीन फ्रीक्वेंसीज इन इन्वॉल्व, तो आप फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देते हो। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है कि डिस्कस कॉफिशेंट ऑफ मीन डिविएशन। अब कॉफिशेंट में क्योंकि आपने रेशो डिस्कस करनी होती है, डिवीजन डिस्कस करनी होती है, तो जो आपका मीन डिविएशन का फार्मूला है, जब आप मीन डिविएशन फाइंड कर लेते हो तो आपने डिवाइड कर देना होता है एवरेज। ए जो है वो शो कर रहा है एवरेज को। अब मैंने आपको अगेन बताया कि एवरेज ज़रूरी नहीं है आपके पास मीन हो, वो मीडियन भी हो सकती है, वो आपको कोई भी एवरेज गिवन हो सकती है जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। मेजॉरिटी आपको मीन या मीडियन ही गिवन होता है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो ये आपके पास डिस्कस हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इस तरह व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ द मीन डेविएशन,
मीन डिविएशन के मेरिट्स आपके पास क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, तो हम कहते हैं एक तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ को यूटिलाइज करती है, किसी वैल्यू को स्किप नहीं करती है। फिर सिंपल टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, एक्सट्रीम वैल्यू से लेस अफेक्टेड होती है। इसी तरह डीमेरिट्स ऑफ मीन डिविएशन हमारे पास क्या आ जाते हैं कि द फॉर मोस्ट वीकनेस ऑफ द मीन डिविएशन दैट इट इन इट्स कैलकुलेशन नेगेटिव डिफरेंस आर कंसिडर पॉजिटिव। इसमें जो सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है, जो हम साइन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, ये क्या करते हैं हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ होते हैं उनको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द मेन डीमेरिट्स ऑफ द मीन डिविएशन। देन हम कहते हैं इट इज़ नॉट अमेंडेबल टू फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, हम नहीं कर सकते इस पर, एंड इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड इन ओपन एंड क्लास। ओपन एंड क्लास में हम क्यों नहीं, क्योंकि मीन डिविएशन डिपेंड कर रहा होता है ओवरऑल कैलकुलेशंस पे, ओवरऑल वैल्यूज़ पे। तो अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज़ नहीं गिवन, तो हम मीन डिविएशन फाइंड ही नहीं कर सकते ओपन एंड क्लास में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, देन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास है कि डिफाइन एंड डिस्कस वेरियंस। वेरियंस क्या है स्टूडेंट? वेरियंस हमारे पास एज़ कम्पेयर टू मीन डिविएशन बेटर है, वो इस वजह से कि इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट साइन जो होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, कि आपकी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हम पॉजिटिव कर देते हैं वो अब इसमें केस नहीं आपको गिवन होता। अगर आप पॉपुलेशंस के लिए वेरिएंस ले रहे हो तो सिग्मा स्क्वायर से शो करोगे, और अगर आप सैंपल के लिए ले रहे हो, एस्टिमेटेड सैंपल है, तो फिर एस स्क्वायर से लोगे, और यही अगर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है तो यू आर टेकिंग द पॉजिटिव अंडर रूट। इसी तरह स्टूडेंट आपने क्या करना है कि अपनी फुल वैल्यूज़ में से, ऑब्जर्वेशंस में से माइनस करना है मीन को, इनका स्क्वायर लेना है। आपको फार्मूला गिवन है फॉर द वेरिएंस के लिए, और ये आपके पास आ जाता है फार्मूला। इस तरह सैंपल के लिए भी आपको गिवन है। अच्छा, एक वन बाय एन वाला फार्मूला होता है, एक वन डिवाइडेड बाय एन माइनस, ये हमारे पास अनबाइज एस्टिमेटर के लिए होते हैं। आप वैसे भी सैंपलिंग में पढ़ चुके हो, आप अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो स्टूडेंट आपने जो हमने पढ़ाया हुआ है कि इन्फ्रेंसेज एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाला जो हमारे पास है, स्पेशली एस्टिमेशन एंड इन्फ्रेंसेस चैप्टर नंबर 15 बीएससी का, उसमें मैंने आपको ये प्रूफ भी करा के बताया हुआ है कि जो हमारे पास स्मॉल एस स्क्वायर होता है वो अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर होता है, और जो वन बाय एन होता है कैपिटल एस स्क्वायर, वो आपके पास बाइज एस्टिमेटर ऑफ द सिग्मा होता है। तो ये चीज़ आपके पास अगर एन माइनस वन है तो ये हमारे पास अनबाइज एस्टिमेटर आ जाता है, और ये आपके पास विदाउट फ्रीक्वेंसी फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए गिवन है। अगर आपके पास वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज गिवन है, देन ग्रुप डेटा के लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है ये। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरे इस लेक्चर्स की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दो में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।